हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गौतम भाई जा रहे हैं स्क्वायर वन, क्योंकि ये चल रहा है ब्लैक फ्राइडे वीक और आज होने वाली है। यहाँ पे हवा चल रही है बहुत तेज, ठंड हो रखी है। ये देखो गौतम कहाँ जा रहे हैं ब्रो? स्क्वायर वन जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे सेल है। 20% 40% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो चलो तुम्हें स्क्वायर वन दिखाते हैं, घुमाते हैं। आज पूरा ब्लैक फ्राइडे तुम्हें शॉपिंग करना। रहने देते हैं, बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। वो क्वालिटी नहीं है स्वेटर्स की जो चाहिए ना। तो अभी हम आ चुके हैं मिसागा। आप लोग सोच रहे होंगे हम टोरंटो से मिसागा क्यों आए हैं, क्योंकि जो स्क्वायर वन पड़ता है वो पड़ता है मिसिसागा में। हम अभी आ चुके हैं किपलिंग पे, किपलिंग पड़ता है मिसागा और टोरंटो के बॉर्डर पे। हमने अभी ली थी सब पे, अब लेंगे सीधा हम हाईवे पे। है मिसिसागा का ट्रांसपोर्ट, ब्रैम्पटन का ब्रैम्पटन ट्रांसपोर्ट और टोरंटो का TTC टोरंटो ट्रांजिट। ये याद रखना, जब भी आपके गूगल मैप पे शो करे आपको ये पैसे लेनी है तो आप समझ जाओगे आपको कहाँ जाना है। तो अभी बस सीधा जा रहे हैं हम माई वे से सीधा लेते हैं अपनी बस, जो सीधा हमें उतारी स्क्वायर वन। तो कल स्नो पड़ के हटी है और देख सकते हो आज धूप चढ़ी है, तो मतलब मोस्टली सारी स्नो पिघल चुकी है। 12:45 हो रहे हैं दोपहर के, तो देख सकते हो सारी स्नो मतलब पिघल चुकी थी। जल्दी से यहाँ स्नो पिघल जाती है और दोबारा स्नो आ भी जाती है। सो ये रही मिसागा ट्रांजिट 109, जो कि मैं सीधा उतारी के स्क्वायर वन। सो गाइस यकीन नहीं करोगे, मैं कम से कम 4 महीनों बाद आज इस ट्रांजिट में बैठ रहा हूँ, मिसागा ट्रांजिट में। नहीं तो मैं अगर काम पे भी जाता था ब्रैम्पटन रहते ही तो मैं सीधा गो लेता था। तो मुझे 4-5 महीनों बाद मैं दोबारा ब्रैम्पटन मिसागा जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टोरंटो आए हुए इतना टाइम तो हो गया है। सो गाइस ये आ चुका है मिसागा डाउनटाउन। तो देख सकते हो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मिसागा डाउनटाउन है पूरा। सामने शेडन कॉलेज जो कि मिसागा कैंपस है, देख सकते हो। और ये है सामने स्क्वायर वन, इसके पीछे ही हमें नीचे जाना पड़ेगा। हम इसमें ऊपर फ्लोर पे, क्योंकि हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस स्टैंड अभी नया रेनोवेट हुआ है। चल चल चल, एक्टिंग मत कर। सो गाइस ये है स्क्वायर वन मॉल, देख सकते हो इंडिगो ब्रांड। बहुत सारी एंट्रेंस होती है मॉल की, ये सारी देख सकते हो पूरा राउंड घुमा के एंट्रेंस है। तो बहुत ज्यादा एंट्रेंस होती है, तो हम एंटर करेंगे उस गेट से, मेन गेट से, जहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं। सामने है मेरे शेडन कॉलेज, ये एक मिसिसागा कैंपस है, एक है ब्रैम्पटन कैंपस जो मेरे घर के पास था। तो ये वाला कैंपस बढ़िया है, पर जो देख सकते हो ब्रैम्पटन कैंपस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है, ये मिसिसागा डाउनटाउन है। आज अच्छा हुआ, वेदर बहुत अच्छा हुआ आज, तो घूमने में अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं है। चल अब रोड क्रॉस करेंगे बिना रूल फॉलो करे। तो आपने कनाडा में गलती नहीं करनी, आपने रूल्स फॉलो करने हैं। ये देखो, क्योंकि फिर ये लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करते, आपने वो गलती नहीं करनी। आपको इस कैफ़े के बारे में बताता हूँ, ये कैफ़े इंडिया में बहुत जगह है, जैसे बेंगलुरु कोलकाता, कहाँ था, बेंगलुरु कोलकाता मुंबई दिल्ली गुड़गांव, ठीक है। अगर आप फॉरेन की बात करें ओमान, सऊदी अरब, दुबई, कनाडा में अभी नया खुला है, लंदन में भी है, कनाडा की नई ब्रांच है, जस्ट ये विल कुछ मतलब टाइम हुआ इसको लॉन्च हुए। तो आप सोच रहे हैं यहाँ खा के जाएं, क्योंकि बहुत बढ़िया है रेस्टोरेंट। अगर आप इंडिया में, तो इंडिया में जरूर ट्राई करना है, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही फेमस और बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि हमने अभी यहाँ टेस्ट नहीं करा, तो यहाँ के हम बता नहीं सकते, आपको बाद में टेस्ट कर। सो गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो फटाफट, नए नए ब्लॉग्स आने के लिए, क्योंकि अब लगातार ब्लॉग्स आने वाले हैं। हर 2 दिन में ब्लॉग डालूंगा मैं, ठीक है। चैनल को थोड़ा ग्रो करते हैं, नया नया कंटेंट लाते हैं। सब्सक्राइब इट, फॉलो इट एंड लाइक इट, चिराग ऑन द ब्लॉग्स। नो ब्लॉग्स तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि न्यू कंटेंट आता रहेगा। न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर न्यू वी, तो नया नया कंटेंट देखने के लिए। और जिसका जो कंटेंट चाहिए उसकी भाई प्लीज कमेंट में इंस्टाग्राम में मुझे बताए, उस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हर संडे की वीडियो आएगी जो सिर्फ आपके ऊपर रेज होगी, जो आपने कमेंट्स में मेरे को बताया होगा उसके ऊपर बनाएंगे। और आपका भाई अब बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है, कार का आप सोच भी नहीं सकते। चलो गाइस आपको आगे दिखाते हैं। सो गाइस आ चुके हम स्क्वायर वन की मेन एंट्रेंस पे, साइड में है होल ट्रेनफ्यू, रे हैरी रोशन। होल ट्रेनफ्यू की बात आता हूँ, होल ट्रेनफ्यू ऐसा ब्रांड है जिसने सारे ब्रांड्स खरीद रखे हैं और अंदर वो फिर खुद के प्राइस पे सेल करता है। तो वैसे लोग मोस्टली लोग होल ट्रेनफ्यू लेते हैं,
क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है एक तरह से ओल्ड ट्रेंड पे, किसी को भी कनाडा में पूछोगे तो यह मेन एंट्रेंस। चलो चलते हैं। सो गाइस ये हम अंदर आ चुके हैं स्क्वायर मॉल के, देख सकते हो जस्ट मॉल अभी खुला है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यह है होल ट्रेंड व्यू, आपको हम सिर्फ दिखाएंगे जहाँ ऑफर्स हैं, मेनली हम ऑफर्स वाली जगह दिखाएंगे जहाँ पे मेन मेन ऑफर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑफर वाली जगह दिखाएंगे आपको, नहीं तो ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं, पहले चलते हैं नाइकी, ज़ारा, H&M और अलग अलग ब्रांड्स पे। सबसे पहले आते हैं अरमानी एक्सचेंज में, जिसमें 40% का डिस्काउंट चल रहा है आज। अरमानी एक्सचेंज की बहुत बढ़िया बढ़िया जैकेट्स हैं, देख सकते हो, पर जैकेट ट्राई करते हैं कहीं जाके। अगर हम इस नॉर्मल सी जैकेट का प्राइस कंपेयर करें इंडिया से, देखते हैं कितने का है, $520। तो इंडिया के हिसाब से हुआ ये कुछ 31,000 का, 31,000 की जैकेट देख सकते हो अगर कंपेयर करो। चलो ट्राई करते हैं जस्ट नॉर्मल टी शर्ट्स, या नॉर्मल टी शर्ट्स अरमानी एक्सचेंज की। एक टी शर्ट कितने की पड़ेगी? सो यह टी शर्ट का प्राइस है $95, जिसमें 40% डिस्काउंट लगेगा। तो $95 तो आपके हो गए कुछ 5,500 पे आपको लगा लो 5,500, तो 5,500 पे लगा लो 40% डिस्काउंट, वो है आपका एक टी शर्ट का प्राइस। बॉम्बर जैकेट, ये मुझे जैकेट्स बहुत पसंद है, देखो मैंने अभी पाई भी हुई है, ये शायद मैं लूँ और इसका प्राइस चेक करूँगा $410। रहने देते हैं, चल रही है एक जैकेट, चल ले। तो देखो गाइस प्राइस थोड़े इतना ज़्यादा है इस वक्त, मेरा मन नहीं है शॉपिंग करने का, मैं सोच रहा हूँ किसी और जगह शॉपिंग करूँ। चलो देखते हैं, मजाक कर रहा हूँ, अभी देख रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ खरीदेंगे। भाई मुझे ये शूज़ बहुत पसंद आ गए हैं, ये शूज़ हैं $240 के, $240 आफ्टर 30%, जूतों पे 30% डिस्काउंट है। देखो जूते बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, तो जूतों पे 30% डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेंगे 160-170 के, तो इट्स नाइस स्टील। जैकेट दोनों को पसंद आ चुकी है, बजट की कटौती के कारण हम ना ही बोलते हैं क्यों। सो अरमानी एक्सचेंज के कपड़े में पसंद आ चुके थे, पर बजट की कटौती के कारण हमने सोचा थोड़ा प्राइस डाउन कर दें, क्योंकि जैकेट्स अच्छी थी पर एक जैकेट मुझे पसंद आई थी जो मुझे चाहिए थी, बट वो मुझे मिली नहीं। सो बट ट्राई करेंगे बाद में आए कौन। तो चलते हैं H&M, H&M पे भी देखते हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, कितना परसेंट ऑफ है ब्लैक फ्राइडे पे? 50% ऑफ चल रहा है, आप देख सकते हो 50% ऑफ है, पर मेरे ख्याल से लेडीज और मेंस में चलते हैं, क्योंकि भाई अगर आप कभी भी H&M में आओगे आपको पता लगेगा मेंस का बहुत कम सामान है, सिर्फ लेडीज का सामान ज्यादा होता है। तो लेट्स सी H&M पे अगर कुछ बढ़िया ऑफर मिलता है। भाई देखा जाए तो H&M का कुछ खास कपड़े नहीं है, 50% ऑफ जरूर है। कुछ आया पसंद? भाई को H&M पसंद ही नहीं है, तो भाई कह रहा है सीधी ना है, वो स्वेटर सस्ते लगते हैं इनके, स्वेटर बढ़िया पर वो क्वालिटी नहीं है स्वेटर्स की जो चाहिए ना हैं। चल ज़ारा चलते हैं फिर, और क्या H&M कुछ पसंद नहीं है H&M से, तो ज़ारा की तरफ चलते हैं। सस्ता अरमानी एक्सचेंज आई है, अरमानी एक्सचेंज में सस्ता माल पड़ा है यहाँ पे। मैंने होलिस्टर, बढ़िया होलिस्टर भी चलते हैं, होलिस्टर बहुत बढ़िया ब्रांड है, क्योंकि मैंने पिछले जो जैकेट्स पाई हैं होलिस्टर की पा रखी हैं, होलिस्टर बहुत बढ़िया ब्रांड है। ये भी मेरे को चिराग जी नहीं दिलवाई थी, बढ़िया जैकेट नहीं है ये, स्नो प्लस नॉर्मल जैकेट है, तो इसमें आप बर्फ में ही पहन सकते हो और ऐसे ही पहन सकते हो। इसको खाने की बढ़िया, भाई घूम ले पहले फिर बाद में खा लेंगे। अर्बन बिहेवियर ना जाए, तो भाई इसको लग गया। अब आपके जो वो हैं बंदे जो आपको देख रहे हैं वो बोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ खाने की आइटम चाहिए, तो चलो भाई को भूख लग रही है तो कुछ खाने चलते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट इसके बारे में बताया था, फर्जी कैफे, तो फर्जी कैफे चाहते हैं। सो गाइस हम गेमिंग जोन जा रहे हैं, हमने ले रखे हैं यहाँ पे सिन पॉइंट्स अपने लिए हैं, एक टैग ले लिया जिसमें हम दोनों बॉलिंग भी करेंगे और ये एक्स वाली गेम भी खेलेंगे। तो ये मल्टीपल गेमिंग जोन आ चुके हैं अंदर, खाएंगे बाद में, पहले गेमिंग जोन खेलेंगे। और ये हमने फ्री में लिए, हमने सिन पॉइंट से काटे हैं। सो गाइस किसी को बुलाते हैं और पहले एक्स वाली गेम खेलें, बॉलिंग जोन। चलो तो ये देख सकते हो बॉलिंग जोन है नीचे, बॉलिंग जोन मतलब गेमिंग जोन है, सॉरी गेमिंग जोन में चलते हैं, बढ़िया बढ़िया गेम्स खेलते हैं।
touching on the floor. You gon' fuck around and drown, try and run into the wave. Chip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, tripping on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night another movie can make. Too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Who's the winner? I am winner. आजा, बंदूकें चलाएं। बच्चे हैं क्या? थाले आजा, कोई नहीं। बच्चे हैं क्या? रुक जा। कैप मारू ना, दो बंदे खेलेंगे ना हम। 35 remaining. सल 16 उसके लिए रखेंगे। So the game is over and I won, bro. Again I won. Oh, bonus game. Gautam, bonus game. So guys, देखो सारी गेम खेल के फ्री में खेला है और बहुत मजा आया सच बताऊं तो. फ्री में खेल के सीन पॉइंट्स भाई, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था सिम पॉइंट बचाओ अपने. जिसने नई वीडियो देखी वो देख लो, ऊपर जाके कैसे सिम पॉइंट बचाने और बचाने हैं. फ्री में खेल के एक रुपया नहीं लगा भाई, मजाक की बात नहीं है, रुपया नहीं लगा. और इंजॉय करके गए, पूरा एक घंटा हो गया हमें इंजॉय करते हुए, लग रहा गेम खेलते हुए. 40 मिनट की बॉलिंग गेम थी. कितने हजार पॉइंट का लॉलीपॉप है? 6000 पॉइंट का लॉलीपॉप लेके आया भाई. 6000 पॉइंट उड़ा दिए हमने और भाई दो घंटे हो गए चिल मारा पूरा. देखो 3 बज गए, 1 बजे हम आए थे, 3 बज गए हमें. हमने जाना है रेस्टोरेंट परजी कैफे. ये गाइस यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हम लेवल 2 पे हैं. वो भाई दूसरी बिल्डिंग में जाना है हमें. सो भाई भूख लग गई है खेल खेल के, कुछ खाने चलते हैं. ये तो खा गया भाई लोली, तो पूछ लेता मेरे से. ले भाई याद है इससे का 3000 का तेरा, 3000 का मेरा था. नहीं चल कैफे चलते हैं. गौतम ने इसका बहुत बार नाम सुना तो गौतम मुझे स्पेशल लेके आया. हाँ जी ये कटाएगा बिल, ये आया है बढ़िया रेस्टोरेंट में, ये कराएगा जेब खाली. तो भाई दे ऑर्डर. हाँ ये दिखाऊंगा बुकलेट है. कॉकटेल पिएगा अंकल जी. देख रहे हो आप लोग, आपका लड़का बोर्ड का पीना चाहता है. ओके आप इसे फ़ोन करके समझाइए कि दारू से दूर रहे, बाकी मैं तो खाने का सामान लूँगा. So guys, बहुत बढ़िया खाना है यार, सच बता रहा हूँ. फुल इंडिया वाली फील आ रही है, सेम टेस्ट था, मजाक की बात नहीं, बेस्ट मानता है भाई को. बढ़िया है. और जूस भाई ये मॉकटेल मंगाई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा पूरे ब्रैम्पटन या टोरंटो में ऐसा पनीर मिल सकता है, पनीर टिक्का तेरे को खाली इतनी जगह, बॉम्बे बेचारा इतनी जगह पनीर 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 करता, उसको इस मतलब का पनीर नहीं मिला. देखिए कितना ही खुश है आज, आज इसको आएगी नींद चैन की. गाइस फिनिश हो गया भाई, मजा आ गया. कैसा था भाई सच बता? मैं लेके आया हूँ, मेरे से पूछ के. बेस्ट था भाई, मजा आ गया. एक बार जरूर विजिट करना जो कनाडा से मेरी वीडियो देख रहे हैं. फर्जी कैफे, हाँ सेम इंडिया का टेस्ट, ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला भाई, मजाक की बात नहीं है. कल्ली कल्ली चीज़ बढ़िया थी, मैंने शूट नहीं करा ज़्यादा, मैं खाने में ध्यान था कि जब मेरा खाने में फोकस होता है मैं ज़्यादा चीज़ें नोटिस मतलब वो नहीं करता, शूट नहीं करता. बेस्ट ब्रो, बेस्ट मस्ट विजिट फर्जी कैफे, स्क्वेयर 1 में है, बिल्कुल एंट्रेंस के पास.
तो जी ये भाई जी है जिन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। अपना नाम दसो भाई जी। माय नेम इज कबीर ब्रदर, I just work at Prajee Cafe, I'm a server here. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਜੀ? ਬੈਕ ਮੁੰਬਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੀ। ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਸਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਭ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਥੈਂਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਟੇਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। सो ये हैं यहाँ के मैनेजर। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड। आपका नाम? भाभी कंपनी। फूड बहुत मज़ा आया खा के, बेस्ट फूड मिला हमें, मतलब सच में जीटीए में हमने बहुत खाया। पर हैम्पटन भी घूमे, टोरंटो घूमे, इंडियन फूड कहीं बढ़िया, पनीर बिल्कुल टोफू, हमने पहले ही वो खाई, हाँ पनीर टोफू, पर पहले डिश खाई हमें बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच, एवरीथिंग वॉज गुड, थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, फूड हो चुका है, बनाना तो शॉपिंग लोग था, पर अभी ब्लैक फ्राइडे वीक पड़ा है, तो दोबारा आएंगे शॉपिंग करने, वो हम ईटन सेंटर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे सजावट हो रखी है बढ़िया, क्रिसमस की लेट हो चुके हैं, खाने में इतना टाइम लगा दिया गेम खेलने में, तो इस व्लॉग को कुछ और रखेंगे, ब्लैक फ्राइडे नहीं देखेंगे। ब्लैक फ्राइडे इसके बाद जस्ट आएगा, वो ईटन सेंटर में आएगा, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए हम लोग, बाकी आपको दिखाएंगे बाद में। सो थैंक यू गाइज व्लॉग को एंड देखने के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। पता है गोंदी आपको नहीं बताएगा, बट इस समय इसको खाना खाने में इतनी नींद आ रही है, इसको यहीं पे बेड मिल जाए यहीं सो जाएगा। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया खाना था, बार बार तारीफ कर रहा हूँ, पर जो आएंगे जो टोरंटो ब्रैम्पटन रहते हैं ब्रो, एक बार ये बेटा वन शॉट, इंडिया में भी जा सकते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा निकीन की वो है, तो तुम लोग जा सकते हो, और ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई, क्योंकि मैं खुद ऐसे रिव्यू देता हूँ, तो थैंक यू भाई।